वाहिगुरु 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 खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वै अकाल मूरत अरुणी शरण गुर प्रसाद वर्णन न सको जैसा तू है साचे अलख अपना तुल्य अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा अतुल्य अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा साध समाली मोहे निर्गुण के दातार
मोहे निर्गुण के तन के सार सुमानी मोहे निर्गुण के खरीद क्या करे चतुराई जियो पिंड सब थारे खरीद क्या करे चतुराई जियो पिंड सब थारे जियो पिंड सब थारे जियो पिंड सब थारे लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे तेरे दर्शन को हम बारे तेरे दर्शन को हम बारे
प्रभ दाता मोहि दीन पेखारी, तुम सदा सदा उपकारे। प्रभ दाता मोहि दीन पेखारी, तुम सदा सदा उपकारे। सो कुछ नाही जे मैं ते होवे, मेरे ठाकुर अगम अपारे। सो कुछ नाही जे मैं ते ठाकुर गम अपारे, मेरे ठाकुर गम अपारे, मेरे ठाकुर अगम मोहे निर्गुण के दाता रे।
वही निर्गुण के दाता। शिव कमाओ क्या कह रिझाओ, विद कित पाओ दर्शारे, मित नहीं पाइए अंत न लहिए, मन तरसे चरनारे, मन तरसे चरनारे, मन तरसे चरनारे। पावदान टीठ होए मांगो, मुख लागे संत रे नारे, जन नानक का गुर कृपा तारी, प्रभ हाथ दे निस्तारे, प्रभ हाथ दे निस्तारे, प्रभ हाथ दे निस्तारे। गुण तेरे सार समाली, मोहे निर्गुण के दाता, मोहे निर्गुण के दाता। क्या गुण तेरे सार समाली, निर्गुण के दाता, निर्गुण के दाता।
बेअंत गुण वाले परमेश्वर दे अणगिणत गुणा चों साढ़े अंदर कितने को गुण टिके हैं अज सोचना पड़ेगा। पाठ बहुत होए, कीर्तन ते विचारां भी बड़िया सुनिया, पर मेरे अंदर गुण क्यों नहीं टिके? कारण इको जे, सुन के मैं अंदर नहीं वसा सके। जो सुनिया ना चेते दंग नहीं बनिया। मनुख का यह सुभाव है उही कुछ सुनना चाहता जिहड़ा इस मन नूं चंगा लगे। एक नौजवान बच्चा पतित हो चुका है, उस नौजवान बच्चे नूं तुसीं केसां दी इंपोर्टेंस बारे दसना शुरू करते हो। केस गुरु दी मोहर हन, ते जे उह सुणन लई राजी नहीं खिमा करना कदे बदलेगा नहीं। एक मनुख नशा कर रहा है, शराब पी रहा है, जितना मर्जी उसनों तुसी गुरबाणी दियां पंक्तियां पढ़ के सुनाई जाओ, जित पीता मत दूर होए, बरल पवै विच आए, अपना पराया ना पछाणे, खसमो धक्के खाए। अगे जाके धक्के पैंदे ने। जो सुनन लई राजी नहीं खिमा करना कदे बदलेगा नहीं। एक पंडित जी की घरवाली ने पंडित जी ने कहा, कहिंदे जदों तुसीं कथा करदे हो ना कई स्रोते सौं जांदे हन, क्योंकि सुनन दे विच रुचि नहीं हुंदी, नींद आ गई। साडा जीवन उदों बदलेगा साध संगत जदों पहलां ध्यान नाल असीं सुणांगे गुरु दे उपदेश नूं, फिर बदला आएगा। जे सुनिया ही नहीं खिमा करना, जीवन दे विच तब्दीली नहीं आएगी। एक परिवार अपने नौजवान बच्चे नूं इको गल कह रहे सी, संगत विच नहीं जाना, चोरी करना बड़ा नेक काम है। ते नौजवान बच्चे ने ध्यान नाल सुन लिया, क्योंकि पेशा उन्हां दा चोरी सी। उस नौजवान बच्चे ने एक दिन राजे की चोरी की, तो पंड बन के जा रहा सी, पिछे जसूस लगे से, देखिया पिछे जसूस ने पंड सुट के धर्मशाला चलिया गया। अगे महात्मा कथा कर रहे से, उसने दोनों उंगलां अपने कन्ना विच दे लईयां, बंद कर ले। खारश होई जदों कन्न तो हाथ उठाया तो महात्मा बोल रहे सी, चोर की हामा परे ना कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। उस चोर दे मन दे विच जदों एक ख्याल आया महात्मा दे बोल, ते कहन लगे अज सच दे बोल मेरे कन्नी पए हन, अज सच दी आवाज मेरे कन्नी पई है। अंदर हिल गया मेरा, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, विकारां दे राह ते नहीं तुरना। चोरी छड गया। तो पातशाह भाई वीर सिंह ने स्रोते का गुण दसिया, कहन लगे स्रोते का गुण है वक्ता बोल रहा है, केवल सुनना जे असी विचार नहीं करनी ना, केवल सुनना। जदों सुनते जाओगे ना, सुन के फिर मत विच पा लेना। तो तीसरा पड़ा है फिर मन दे विच उसकी मोटर चलाने शुरू कर देना। जदों मन दे विच उस विचार की मोटर चलाओगे, ये बुद्ध दे विच विचार टिक जाएगा। तिथे घाड़त घड़ी है बहुत अनूप, ते कदों घड़ी घड़ी जाएगी? तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध। पहला सुरत करके सुन, सुने हुए नूं मत विच पा, ते मन दे विच जदों मोटर चलाएगा ये तेरी बुद्ध विच चेते दंग बन जाएगा, संभालिया जाएगा, जीवन बदल जाएगा। तिथे घड़ी है सुरां सिदा की सुध, क्या गुण तेरे सार संभाली,
किस किस गुण नू मैं चेते दंग बनावा, मोहे निर्गुण के दाता रे। मैं गुणा तो हीन हाँ, तू इतनिया दाता दे रहे हैं। किस किस गुण का शुकराना करा, तेरे कवन कवन गुण कह के गावा। तू साहिब गुण ही निदाना, तू गुणा दख जाना। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जाने, मैं मूर्ख किश्ती जा। बस गुरु कृपा करे, पहला असी सुरत करके सुनना शुरू करिए। सुने हुए नू जदों अंदर पावांगे ना, फिर ये चेते दंग बन जाएगा। क्योंकि बहुत ही प्यारा प्रोग्राम लिखा गया है, जितना कुछ समाप जी ने बख्शिश किया है आप जी दे प्यार दे विच, इतनी कुछ सेवा प्रवान करनी। कोटान कोटान शुकराना धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का। अति प्यार वाले भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी, हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहब, जो बहुत ही प्यार ते मान देंदे हन, हर साल सोहाणा विखे असीसां दे के नवाजदे हन। ते बहुत ही इन्हां दे सहयोगी प्रबंधक वीर भाई तीरथ सिंह जी, बहुत ही सुचरता दे नाल जो स्टेज की सेवा निभा रहे हैं। सारियां दा दास सिरदे दी गहराई चों धन्नवाद करदा है। एक बेनती करके दास ने आग्या मंगनी है। धन धन बाबा अतर सिंह मस्ताने साहब वाले ते पंथ रतन भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी खालसा खाने वालियां दी मिठी प्यारी याद विच सलाना गुरम समागम हर साल की तरह इस बार 26 मार्च शाम को 4 बजे आरंभ होंगे, जो 30 मार्च ऐतवार रात के 10 बजे तक लगातार चलेंगे। ये प्रोग्राम फतेह टीवी तो जिथे रोजाना शाम को 6:30 तो 10 बजे तक लाइव टैलीकास्ट हो रहे हैं, ऐतवार 30 मार्च को PTC चैनल तो सवेरे 11 बजे तो शाम के 4 बजे तक लाइव टैलीकास्ट होंगे। अलौकिक रैन सभाई कीर्तन 28 तरीक शुक्रवार शाम को 7 बजे तो 29 तरीक सवेर के 6 बजे तक 12 घंटे लगातार फतेह टीवी तो लाइव टैलीकास्ट होना है। तो ऐतवार सवेरे 10 बजे तो रात के 10 बजे तक फतेह टीवी पर लाइव टैलीकास्ट हो रहा है। bun.net पर आप इंटरनेट पर सवेरे 3 बजे तो रात के 10 बजे तक ये समागम लाइव देख सकते हो। एक बेनती होर है, गुरमुखों की याद में श्री गुरु हरकृष्ण साहब चैरिटेबल आई होस्पिटल ट्रस्ट वालों 27 तरीक 28 तरीक और 29 तरीक बहुत बड़ा विशाल फ्री मेडिकल मैगा कैंप लगाया जा रहा है। ये तिना दिनों के जितने भी पुराने दुखी लोड़वंद आएंगे, बाईपास सर्जरी होवे, अखां की सर्जरी होवे, गोडे बदलन की सर्जरी, जनरल कोई भी सर्जरी होएगी, केवल दवाइयां दे अते समान दे पैसे ले जाएंगे। डॉक्टरां दी फीस अते रहन सहन का सारा प्रबंध ट्रस्ट वालों फ्री किया जाना है। लोड़वंद इलाके विच कोई भी होवे, आप जी जरूर सेवा का मौका देना जी। अति धन्नवाद सारियां दा। आज जो अगला प्रोग्राम लिखा गया आप जी प्यार नाल सरवण करना जी। दासियां नूं खिमा बख्शो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।